guys, please subscribe to AMAD MAJEED's YouTube channel and don't forget to press that notification bell to be notified every time there's a new reaction video. Thanks guys, bye! That is amazing. That was amazing, amazing trailer. Hello, Assalamualaikum, Namaste, Sasri Akal, main hu AMAD MAJEED. Aap mujhe dekh rahe hain YouTube channel ke upar. Finally, Manikarnika ka trailer release ho gaya hai. Wow. मैं इतने वाव इस वजह से कह रहा हूँ कि कितना जबरदस्त ट्रेलर रिलीज किया गया है, जिस तरह की मुझे उम्मीद थी उससे कहीं गुना बढ़कर ये ट्रेलर रिलीज किया गया है। कंगना की बात की जाए तो इस ट्रेलर में आपको कंगना नजर आती हैं और कंगना जो है वो बड़ी जबरदस्त आपको यहाँ पर मारदार करती हुई नजर आती हैं। और कंगना की जो लुक है, जो उनका मैंने उनकी एक एक चीज एक एक ट्रेलर में देखा, इस ट्रेलर में पहला जो टीजर रिलीज हुआ था, टीजर में जो रिलीज हुआ था उसमें आपको नहीं पता चलता था कि इस फिल्म की एक्चुअली स्टोरी क्या है। लेकिन जो अगर आप इसको ट्रेलर को देखें तो ट्रेलर में शुरू से लेकर बचपन से लेकर किस तरह वो वॉरियर बनती है और किस तरह दुश्मन के ऊपर लड़ती है, और ये बताया जा रहा है कि ये जो स्टोरी है बेसिकली इंडिया की एक रियल स्टोरी है, उसके ऊपर ये मानिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी उसके ऊपर ये स्टोरी बेस करती है। तो स्टोरी वाइज अगर वो वाली स्टोरी मुझे तो नहीं पता क्योंकि बिकॉज आई एम फ्रॉम पाकिस्तान, स्टोरी मुझे नहीं पता कि वो उधर क्या घटना घटी थी, उधर क्या सिस्टम हुआ था, क्या रियल स्टोरी थी। लेकिन जो फिल्म है, इस फिल्म को मैं अगले साल की जनवरी की सबसे बड़ी हिट करार दे रहा हूँ। और मेरे ख्याल में ये जो फिल्म है ये बहुत ज़्यादा पैसा कमाने लगी है, और ये जो फिल्म है ये 2019 की हिट फिल्म में से एक हिट होगी। 2019 की हिट फिल्मों में से एक फिल्म हिट फिल्म जो है वो हमारे सामने आ चुकी है, बाकी पता नहीं कौन से होंगी। क्वीन ऑफ झांसी, इसका ट्रेलर माइंड ब्लोइंग है। ट्रेलर में अगर विजुअल इफेक्ट की बात की जाए, जो इसका वीएफएक्स इफेक्ट है वो मुझे काफ़ी ज़्यादा इंस्पायरिंग लगा। किस तरह जो अंग्रेज हैं उनके साथ लड़ रही है, सिर्फ और सिर्फ भारत के लिए, अपने देश के लिए, अपने देश के लिए ये लड़की जो कंगना बनी हुई है जो लड़ रही है, बड़ी ही ज़बरदस्त। मैं कंगना को ये समझता था कि कंगना सिर्फ जो है वो रोमांटिक रोल करती हैं, लेकिन कंगना जो है वो हर फार्मूला है, हर तरह की एक्टिंग कर लेती हैं। और जो मेरा फेवरेट सीन था जिसमें वो टाइगर को मारती हैं तीर, वो वाला फेवरेट सीन था। नो डाउट ट्रेलर इज अमेजिंग। जो स्किल्स दिखाई गई हैं, मेरे ख्याल में कंगना ने बहुत पहले इसकी प्रैक्टिस की होगी तो फिर जाकर उसने इस तरह की फिल्म की होगी, क्योंकि जिस तरह वो तलवार चला रही हैं, जिस तरह वो एक एक सीन कर रही हैं, ये इट्स नॉट ईजी। इट वॉजेंट ईजी मूवी फॉर कंगना, इट वॉजेंट ईजी मूवी फॉर एनी वन। मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरा रिव्यू रिएक्शन पसंद आया। अगर आया पसंद तो इस चैनल को कर लें सब्सक्राइब, इस वीडियो को कर लें लाइक। मेरे ख्याल में ये जो मूवी है ये 300-400 करोड़ कमा सकती है। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दे इजाजत। और मैं इस ट्रेलर को रेटिंग अगर करूं तो मैं इस ट्रेलर को 5 में से 5 नंबर ही देता हूं। आई रियली इंप्रेस्ड। अल्लाह हाफिज़। बाय।